हेलो बच्चों बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप जाते हैं और आपको लगता है पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, या फिर भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो कोई क्वेश्चन ऐसा पड़ जाता है कि आपको लगता है इसमें आपको कुछ नहीं आता है। तो उस समय आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगा देनी है, इस पर मैं बात करूँगा आपसे। और ये क्लास 12th या 10th के जो बच्चे, दोनों के लिए फ्रूटफुल है। तो ये वीडियोस पूरा देखिए और पसंद आने पे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसी कैसी बातें आपको, किन किन चीज़ों पे प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये सिचुएशन ना किसी भी बच्चे के साथ आ जाती है। ऐसा कहना कि पूरा 100 मार्क्स का अगर पेपर है, या 80 मार्क्स का पेपर है, या 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें 100% हर क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो, तो ऐसी संभावना 1% से भी कम बच्चों में होती है। अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक पे अटका महसूस करते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है। अच्छा, उससे पहले एक विशेष जानकारी कि आप लोगों में कई लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ रहता, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूं, और वहां पे स्टोर सेक्शन में जाके आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इसमें सीधे मैं चाहता हूं आपका बेनिफिट हो, और 100% जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत घबराइए, अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो फेल पास का तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार, वो तो छोड़ ही दो आप। तो मेरे ख्याल से अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करना चाहिए और इस क्रूशल मौके पे अपना आपको फायदा करना चाहिए। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टोर सेक्शन में जाके चेक करें। थैंक यू वेरी मच। बात शुरू करते हैं अब मुद्दे की, जिस वजह से ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो देखिए, ये जो वीडियो है, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो मैंने पहले भी बोला कि ये सिचुएशंस बड़ी नॉर्मल है कि आप पेपर को देखें, 3 घंटे का 10 बजे पेपर मिल रहा है, अब 10:15 बजे आपको 10:15 पे पेपर मिल रहा है, 15 मिनट का आपके पास रीडिंग टाइम है, आप रीड आउट करते हैं, और रीड आउट करते वक्त ही आपको ऐसा महसूस होता है कुछ बच्चों को कि भाई इसमें ये क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या कई बच्चों की पढ़ाई थोड़ी कम है अगर है तो बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, उस दशा में क्या करेंगे आप। तो ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है, ये ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक है, देखिए सिंपल सी बात, आपको क्या रखना है, अपने पर पहले रखिए भरोसा, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मत हिलने दीजिए, क्योंकि अगर आप घबरा गए बेटा तो जो आ भी रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं, 26 क्वेश्चन आते हैं और 4 ही नहीं आते, और आप अगर घबरा गए तो जो 25-26 क्वेश्चंस आते हैं वो भी डामाडोल हो जाएंगे। तो किसी भी हालत में आपको अपना विश्वास अपने आप से खोना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है, पहली बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप। और दूसरी बात कि जो भी क्वेश्चन सीक्वेंस में आप चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए 5th नहीं आ रहा, आपने पढ़ा, आप घबरा गए कि ये तो हाथ से गया, फिर आपके 5 क्वेश्चन आए, फिर 6ठा फंस गया, तो ऐसी सिचुएशंस में जो क्वेश्चंस अटकाव ले रहे हैं, या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसमें आप फंस सकते हैं, तो उस क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए पेपर पे बाद में करने के लिए, अटके नहीं इस क्वेश्चन पे कि मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। आप उस क्वेश्चन को टिक कर लें, पेंसिल से टिक लगा लें, और उस क्वेश्चन को आंसर शीट में जब बाकी जो आते वाले क्वेश्चंस हैं वो जब कर लें तो अंत के लिए बचा के रखें, तब अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन को। अगली बात, देखिए ये दो बातें ध्यान में रखने के बाद आप ये एकदम अपने आप से वादा कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है आपको, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो आप, मैं कह रहा हूँ छोड़ना नहीं है, तो आप कहेंगे ये सर कैसी बातें कर रहे हैं, एक तो मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ऊपर से छोड़ना नहीं है, तो मैं लिखूँ क्या। मैं बताता हूँ आपको उसके लिए ट्रिक क्या लगानी है पक्की तौर पर। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छे से लिखना है। अब वो लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके क्वेश्चन ऊपर से निकल गया, जंबो जेट की तरह ऊपर से निकल गया, रॉकेट की तरह, आपको पकड़ में ही नहीं आया, तो कम से कम आप इतना तो पकड़ ही सकते हैं कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस टॉपिक के इर्द गिर्द चल रहा है। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल सेक्शन में भी हो सकता है, ये थ्योरेटिकल में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है,
या थ्योरी में बात करें, कई बच्चे सोशल साइंस की तैयारी करते हैं टेंथ क्लास के, वहाँ पे थ्योरी लिखनी पड़ रही है, तो इन सारी प्रक्रियाओं में बायो का क्वेश्चन है कोई साइंस में, तो इन सारी सिचुएशंस में क्या करें, जो भी कीवर्ड है रिलेटेड उसके इर्द गिर्द ताना बाना बुने। जैसे मैं कुछ एडवाइस करता हूँ आपको, मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया किसी भी टॉपिक पर, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ की, या टेंथ के बच्चे भी हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, तो जो उससे संबंधित उस कॉन्टेक्स्ट में जो फॉर्मूला है, सवाल तो आ नहीं रहा है वैसे भी आज से छूटने वाला है, तो आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि नंबर कभी कभी सवाल ही गलत होता है, और कुछ ना कुछ करेंगे तो जीरो से तो बेटर होगा, निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तो आप उसमें जो भी कॉन्टेक्स्ट का फॉर्मूला बनता है वो पुट कर दीजिए और देखिए कि कैसे भिड़ सकता है वो फॉर्मूला। अगर कुछ आसपास बैठ गया तो लीनियंट मार्किंग होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको आधे एक नंबर बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। और मान लीजिए कोई चीज़ पूछी, उसका आसपास का डायग्राम आपको आता है, फ्लो चार्ट आता है, कुछ ऐसा बायो है केमिस्ट्री है कुछ भी है, तो उस प्रोसेस को लिख दीजिए, उस चार्ट को लिख दीजिए, उस डायग्राम को बना दीजिए अपनी एफर्ट को देखते हुए। बाय द वे वो टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सोशल साइंस का, जिसमें कोई फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है, कोई डायग्राम नहीं बन रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो वो जो कीवर्ड है क्वेश्चन के अंदर ही कीवर्ड मिलेगा, बाकी तो कुछ आप पढ़ ही रहे हैं, उस कीवर्ड के अराउंड ताना बाना बूंदे पूरी स्टोरी गढ़ दें अपनी और क्वेश्चन को आंसर कर दें। आपको आप देखिए, अगर क्वेश्चन को आप देखिए, मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो पक्का जीरो, क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे तो जो आता है उसमें गिरावट, 25 क्वेश्चन आते हैं तो बीसी कर पाए डर के मारे, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आपने अटेम्प्ट लिया, ट्राई मारा विश्वास रखते हुए, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ने हैं नंबर, आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं हिलेगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे पेपर और उसका बेनिफिट आपको पक्का मिलेगा। आप मान के चलिए बोर्ड एग्जामिनेशन में लीनियर मार्किंग होती है, और कभी कभी सबसे अच्छी बात बेटा क्या होती है, ध्यान रखिएगा कि जो की वर्ड के अराउंड आप ताना बाना बुनते हैं वो कुछ ऐसा बैठ जाता है कि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है ना, वो एक एक घंटा नहीं देगा आपकी कॉपी पे, तो कीवर्ड में कुछ बातें आपकी बैठ गई तो पता लगा 3 नंबर के सवाल में 1.5 नंबर मिल गया आपको, तो जो 0 मिलने वाला था वहां पर 1.5 नंबर आपने अचीव कर लिए, तो दैट इज फैंटास्टिक। तो बस बच्चों यही शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास नहीं खोना है, और उस क्वेश्चन को उस समय अटकना नहीं है, बात के लिए रखना है, क्वेश्चन को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है, और कीवर्ड फॉर्मूला डायग्राम फ्लो चार्ट जो भी उससे रिलेटेड है उसमें उसका इस्तेमाल कीजिए और जरूर सफलता मिलेगी। और बाकी ऐसी सिचुएशन कम से कम आए इसके लिए पढ़ाई जारी रखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली आपके लिए बनाए हैं, आप ऐप का यूज करके उसमें स्टोर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।